हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आई एम रविंद्र कोतवाल एंड आज का टॉपिक है, आज की डेट 8 मार्च। 8 मार्च मींस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जो लेक्चर बनाना पड़ रहा है मुझे, जो बना रहा हूं मैं, इसका ये रीजन है कि आज मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की एक सेलिब्रेशन पार्टी पे बुलाया गया था, इनवाइट किया था एज ए एज नॉट ए चीफ गेस्ट, एज ए पार्टिसिपेट, एज ए ऑडियंस मान लीजिए। वहां पे चीफ गेस्ट आ रहे थे विद्या बालन, जो फिल्मी एक्ट्रेस सभी जानते हैं, उसके साथ जो अमेजोन प्राइम वीडियो की सीईओ ऑफ इंडिया जेनिफर साल्के, उसके बाद जोया अख्तर प्रोड्यूसर राइटर जो है, और गुनीत मूंगा वो भी प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर ऑस्कर विनर हैं, और उसके बाद कुछ और भी दो तीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिनके नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो ये लोग आने थे और मुझे भी एक अच्छा चांस मिला वहां जाने का। वहां जाके एक तो उनके साथ रूबरू, उनके सामने फेस टू फेस बात हुई, उनके क्या वो क्या विचार रखते हैं वो भी सुने, और मुझे लगा कि मुझे प्रॉपर जो वीडियो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं देखते हैं जो, उनके लिए भी ये वीडियो मैं बनाऊं। ओके, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शुरुआत करूंगा मैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जो शुरुआत हुई थी वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 1909 में शुरू किया था 28 फरवरी को, मतलब स्टार्टिंग में। ये जो हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो याद है, हो सकता है इससे पहले भी किसी ने कोशिश की हो कि वुमेन्स अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ किया जाए, लेकिन जो इस वक्त हमारी हिस्ट्री में है वो 28 फरवरी 1909 में शुरू किया था कि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। किसने किया था? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, दे ऑर्गेनाइज दिस। ओके, उसके बाद 1914 तक, मतलब 5 साल, ये 5 साल क्या हुआ, कभी 28 फरवरी को बनाया गया, कभी 8 मार्च को बनाया गया, कभी सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ फरवरी, लास्ट सैटरडे संडे ऑफ फरवरी, और फर्स्ट सैटरडे संडे ऑफ मार्च, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाने लगा। 1914 में 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया वुमेन्स डे, क्यों? क्योंकि उस दिन संडे था। ओके, तो ये हुई बातें कुछ कि क्यों और कैसे इसको शुरू किया गया, शुरू करने का मकसद क्या था, औरतों के साथ जो जुल्म होते हैं, औरतों के साथ जो नाइंसाफी इनजस्टिस जो होती है, जो हरेसमेंट होती है, जो इनइक्वलिटी है, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए इसे शुरू किया गया। ओके, उसके बाद ये चलता रहा और यूएन ने, जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने 1975 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट किया, बट 1975 ईयर को ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर भी घोषित किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे ही इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और फिर 8 मार्च जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया कि 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, उसके बाद 2011 में 100th एनिवर्सरी मनाई गई IWD, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की 100th एनिवर्सरी मनाई गई, कब? 2011 में। उसके बाद जो हमने जो भी इयर्स फॉलो करते गए, आगे आने वाले इयर्स जो है उनमें हम पहले से ही सोच के रख रहे थे कि ये जो कमिंग ईयर है, जैसे हम अपने घर में सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर में ये करने वाला हूं, तो हम नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हैं ये हम पहले सोच के रखते थे। 2012 का जो हमारा थीम था वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, तो वो था एम्पावर रूरल वुमेन एंड एंड हंगर एंड पॉवर्टी, गांव की औरत को एम्पावर करो, अगर कर दिया तो समझ लो ये भूख और गरीबी जो ये खत्म हो जाएगी, है जो गरीबी है, जो भूखमरी है, ये बातें खत्म हो जाएंगी। ओके, देन 2013 का था ए प्रोमिस इज ए प्रोमिस, ये ऐसे भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, ए प्रोमिस इज ए प्रोमिस कौन से ईयर का थीम था, तो इट वॉज थीम ऑफ 2013।
क्या थीम था? ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस, एक जो प्रॉमिस होता है वो प्रॉमिस होता है टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आओ प्रॉमिस करते हैं कि औरत के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनको खत्म करें। ओके, उसके बाद 2013 का ही एक और बात थी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफ 2013 वाज डिक्लेयर्ड एज जेंडर एजेंडा गेनिंग मोमेंटम, कि जेंडर का जो एजेंडा है वो मोमेंटम पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, अगर 2014 के थीम की बात करेंगे तो 2014 का थीम था इक्वलिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल। इक्वलिटी फॉर वुमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल, औरत को इक्वलिटी देंगे ना तो समझ लो पूरे संसार की, पूरे अर्थ की, पूरे ग्लोब की प्रोग्रेस होगी। ठीक है, औरत को मर्द के समान मानो। 2015 का जो हमारा थीम था वो था एम्पावरिंग वुमेन इज एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। एम्पावरिंग वुमेन इज एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। अगर हम औरत को एम्पावर कर रहे हैं तो समझ लो हम इंसानियत को, पूरी इंसानियत को ही एम्पावर कर रहे हैं। उसके बाद 2060 का हमारा था प्लैनेट 50-50 बाय 2030। ठीक है, 50-50 मींस मतलब मर्द औरत का 50-50 का योगदान होना चाहिए हर जगह, 50% का योगदान हर जगह होना चाहिए 2030 तक। हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है, हमारा ये गोल है कि 2030 तक इंसान मर्द औरत जो है एक बराबर होने चाहिए। ओके, और ऐसा ही कुछ 2017 का था वुमेन इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क। आज का काम काज जो है उसमें औरत की क्या औरत का क्या हाथ है। तो अगर आप देखें तो घर गृहस्थी संभालने से लेकर स्पेस तक, स्पेस में जाने तक, घर गृहस्थी का झाड़ू पोछा खाना बनाना कपड़े धोना वगैरह से लेकर ऑटो चलाना, बस चलाना, प्राइवेट कार चलाना, ट्रेन चलाना, एरोप्लेन चलाना, एयरक्राफ्ट चलाना, स्पेस तक जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, हर जगह पे आपको औरत मिलेगी। मतलब शी हैज द कैपेबिलिटी, उसके पास दम है, वो कुछ भी कर सकती है। और सहनशीलता जो औरत में है उतनी तो मर्द में भी नहीं है। ठीक है, सो उसको इक्वलिटी दो, इक्वलिटी दो प्रोग्रेस होगी, इक्वलिटी दोगे तो प्रोग्रेस होगी। और हमारा मकसद है 2030 तक औरत मर्द एक समान, 50-50 हर जगह पे, हर जॉब पे 50% दोनों दिखे, ऐसा मकसद है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल पे ये मकसद है। ओके, देन ये मकसद कब का सुनाया मैंने आपको, 2017 का। 2018 में क्या हमने कहा, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ। अब टाइम आ गया है, रूरल और अर्बन जो एक्टिविस्ट होते हैं वो औरत को चेंज कर रहे हैं। पहले अर्बन एरिया में तो चेंजिंग थी, रूरल गांव-गांव जाकर लोग औरतों को अवेयर कर रहे हैं उनके राइट्स के लिए, उनके क्या क्या राइट्स हैं। वो पॉलिटिक्स में आए, वो पढ़ाई करें, आगे बढ़े, राइट। और इस साल का 2019 का जो हमारा मकसद है, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट, एक जैसा सोचो और स्मार्टली बिल्ड करो, इनोवेट फॉर चेंज, चेंज के लिए जागरूक हो जाओ, इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लो। क्या बदलाव? कि औरत मर्द एक समान है। ओके, इक्वलिटी है। एक्चुअली मैं अपने वर्ड्स में कहूं तो ये तो मैंने थीम कहे जो हमारे पास हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ये एसोसिएशन है उसने ये थीम बना के रखे होते हैं हर साल। मैं अपने बिहाफ पे अगर कहूं तो मैं ये कहूंगा कि इक्वलिटी तो छोटी बात है बस, एक्चुअली वुमेन इज फार फार सुपीरियर देन मैन, बिकॉज जो एक औरत कर सकती है ना एक मर्द नहीं कर सकता है। व्हाट वुमेन कैन डू ए मैन कैन नॉट, सिंपल, एवरीबॉडी नोज वुमेन कैन गिव बर्थ टू
an offspring which a man can never do. Okay, तो इसके आगे मैं आपको आज के थोड़े से फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ. मैं होटल ताज में गया, वहां क्या विद्या बालन जी क्या कहे इस बारे में, थोड़ा सा उनका मैं आपको दिखाता हूँ और वहां पे हमने कैसे सेलिब्रेट किया, थोड़ी सी दो तीन झलकियां वहां की. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. Since last year, right, has it left men out and on the back foot? No, I think because we've not had a voice for very long, we've only begun to express ourselves. So it's not like this is not for men or this is not going to include men or anything of the sort. It's because we want to express ourselves as much, you know. And I'm sure men are listening. I'm sure. You know, I hope every man wants to listen to what we have to say. But I hope every woman is also listening. Yeah. Importantly, yeah. You know, it's not just... Because sometimes we women... Not sometimes, often. We women are products of that conditioning, that sexism, which is very deeply ingrained in us. So, you know, it's not just... We can't just say it's about the men. It's as casual as... We've not known any better. Yeah, yeah. It's as casual as Rahul Gandhi in a speech saying, oh, you know, Prime Minister Modi, you're hiding behind a woman because you sent the defense minister of the country to parliament to defend the Rafael deal. Okay, forget the politics, but the casual sexism of what was said is something that I think we deal with every day in very different ways. Jennifer, I think I've been told that we have a little bit. Okay, I'll go quickly. I think there are a lot just of close this with yeah, very supportive men who are feminists, as Zoya just described. Men who love to amplify voices. Their brothers, mother, fathers. You know, they care about it deeply and work in advertising-driven business that kept all those standards on what you could see and not see. And you know, when we would look at, you know, projects, you know, when I was working at Fox for 10 years and then NBC Universal, you know, 10, 15 years ago where, you know, you could say, oh, they could shoot, the character could shoot. Yeah. The masculinity. So either as a filmmaker, you are showing something properly or not. It's not like women are bad, but the men are great. No. And it's not that the women show everybody and everything properly. Exactly. No, and I mean, even the women filming, it doesn't work like that, you know. Also, you can't be like, I want a woman's story, but I want a woman's story in the way that I'll agree with the woman's story. I mean, where does it end then? Where does it end? You like a film, you don't like a film. We can't go down to telling people what they need to make now. You know, I don't think it can work that way. I think women are... Every year they are increasing, producers, writers, directors. I mean, 2 years ago, Filmfare Awards, the what you call commercial award for best director went to Ashwini Iyer Tiwari, and the Critics' Choice went to Konkana. It was amazing. It was amazing. So it is happening, and is it happening fast enough? I think it's good. I mean, it can always be. Yeah. What are the themes that you think are getting explored as women's themes?
women's narratives. Like I said, there's my sense is when I watch a lot of the movies, especially the stuff on or shows on streaming video services, in India, narratives about women, specifically women-centric stories, are back your psyche because you do not watch people kissing, you do not watch tenderness, you do not watch people making love, you do not see how people want to be treated. So what you're putting out there is women will always say no and you should just jump on them. That's what you're putting out there, because it's and you realize that when you're a kid you don't really focus on it, you know, and then it's when you grow up you're like, that's kind of weird. You know, it needs to change. You need to see interaction and how it's meant to be. And we're seeing a lot of that now. Vidya has says that we now have a certain kind of diversity of race, nationality and gender. Do we need to do these things where women are concerned? I do believe we do. You know, because history has shown us that there aren't too many examples of that because of a lack of opportunity. And therefore, if you open up opportunity, only then will you know how many women are really capable, talented, and have a chance at making it, you know, like really doing well. So I think that slight push is essential, is what I believe.